अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम बैक विद न्यू रेमेडी तो आज की इस रेमेडी में मैं आप लोगों को वाइटनिंग फॉर्मूला क्रीम बनाना सिखाऊंगी पहले जो मैंने आप लोगों को क्रीम बनाई बनाना सिखाई थी वो कुछ कुछ डिफरेंट अंदाज से बनाई थी आज जो हम क्रीम बनाएंगे वो कुछ डिफरेंट अंदाज से बनाएंगे आज का जो फार्मूला है क्रीम बनाने का वाइटनिंग क्रीम जो है ये बहुत ही पुराना एक फार्मूला है ठीक है इस तो पहले जो फार्मूला हमने बनाया था वो और तरीके से बनाया था ये जो फार्मूला है ये बहुत पुराने अरसे से चलता हुआ आ रहा है वाइटनिंग फार्मूला तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए बहुत सारी क्रीम्स को मिक्स करके हम एक क्रीम बनाएंगे फार्मूला क्रीम और वो क्रीम्स कौन सी हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनके फ़वाद क्या हैं और वो आपको क्या फ़ायदा दे सकती हैं तो ये सब मैं आपको बताऊंगी आज की इस रेमेडी में तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी और देख लेते हैं कि इस फार्मूला क्रीम को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी क्रीम्स की ज़रूरत पड़ेगी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन तो सबसे पहली जो क्रीम आपने लेनी है वो है स्टिल मिल्स फेयरनेस क्रीम आपने ये रेड ग्रीन वाली लेनी है रेड कलर में जो होती है वो नहीं लेनी है क्योंकि ये है ब्लीच फेयरनेस क्रीम ठीक है आपने ये वाली लेनी है ये बहुत ही पुरानी क्रीम है और बहुत ही अरसे से चलती हुई आ रही है और बहुत बेस्ट फेयरनेस क्रीम है तो ये स्टिल मिल्स का ही फॉर्मूला है तो सबसे मेन जो क्रीम है वो यही है तो आपने सबसे पहले स्टिल मिल्स ले लेनी है ठीक है इसको अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे साथ साथ तो ये देखिए ये इस तरीके के इस तरीके से होती है इस कलर में बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर में तो हमने ये ले लेनी है इसमें से एक चम्मच हम ले लेंगे स्टील मिल्स क्रीम का दूसरी जो क्रीम हमने इसके अंदर ऐड करनी वो है वो है कैली पर्ल क्रीम ठीक है ये आपने ले लेनी है रेड कलर में इसका भी बहुत ही अच्छा फार्मूला है ये रिंकल्स के लिए है पिंपल्स को ख़त्म करेगी सनबर्न से आपको निजात दिलाएगी और ये बहुत ही अच्छा वाइटनिंग फार्मूला है तो इसका भी हाफ टेबल स्पून हाफ हाफ क्वांटिटी रखनी है क्रीम की हमने इसके अंदर ठीक है हाफ क्वान्टिटी हाफ इसमें से ले लेंगे हम ये देखें ठीक है ये हमने इसके अंदर ऐड कर दी है हाफ उसके तीसरी जो क्रीम हमने इसके अंदर ऐड करनी है वो है मीना वाइटनिंग क्रीम ठीक है ये वाली डब्बी आपने बिल्कुल सेम यही वाली होनी चाहिए ये वाली आपने ले लेनी है इसकी भी हाफ क्वांटिटी हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्वांटिटी हमने हाफ हाफ ही रखनी है ये देखिए येलो सा कलर है इसका इस तरीके से ये आपने इसकी भी हाफ क्वांटिटी इसमें से ले लेनी है उसके बाद हमने जो इसके अंदर ऐड करना है वो है आर्ची क्रीम ठीक है ये भी आपको एट्टी रुपीज की आसानी से मिल जाएगी आर्ची क्रीम ये आपने ले लेनी है इसको ऊपर से हम कट कर लेंगे इसकी भी क्वांटिटी हमने हाफ ही रखनी है ये बहुत अच्छा वाइटनिंग फॉर्मूला है जिन लड़कियों की शादी होने वाली है वो इसको एक मंथ पहले लगाएं या फिफ्टीन डेज पहले लगाएं उनका कलर माशाल्लाह से इतना निखर जाएगा कि उनको किसी भी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल हाफ क्वांटिटी इसमें से भी ले लेंगे हम उसके बाद जो हमारी लास्ट क्रीम है वो है जी फेर लवली का साशे इस तरह से आपने ले लेना है फेर लवली क्रीम आपने लेनी है ये मैंने ट्वेंटी ये थर्टी रुपीज वाला साशे है ये मैंने ले लिया है अगर आपके पास दूसरी नहीं है तो आप इस तरह से साशे भी ले सकते हैं इस क्रीम का इसको अब हम ओपन कर लेंगे इस तरीके से इसको भी हाफ क्वांटिटी हमने इसके अंदर ऐड करनी है फेर लवली की ये ये तो ये तो हो गई हमारी सारी क्रीम्स ठीक है जो हमने इसके अंदर ऐड कर ली हैं अब जो हमने इसके अंदर ऐड करना है लास्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है जी हमारा वाइटनिंग कैप्सूल वाइटनिंग कैप्सूल हम इसके अंदर एक ऐड करेंगे वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करने के बाद एक हमने इसके अंदर इवियॉन का कैप्सूल ऐड करना है कट करेंगे इसको और इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा तो ये हमारा वाइटनिंग जो फॉर्मूला है ये बहुत ही जबरदस्त हमारी क्रीम है इसको अच्छे से कर ले मिक्स सारी चीजों को थोड़ा सा मुश्किल तो है इनको मिक्स करना क्योंकि हार्ड होती है बहुत तो अच्छे तरीके से आपने इनको मिक्स करना है

इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद आपको इस इस फॉर्म में ये क्रीम बन के तैयार हो जाएगी ठीक है ये आपने इस तरीके से बना लेनी है इसको बना के आप किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर कर लें कोई भी क्रीम की डब्बी अगर खाली हुई हुई है तो आप इसको उसके अंदर भी निकाल लें ठीक है उसके अंदर निकाल के आप इसको स्टोर कर लें और रात के टाइम आपने इसको अपने फेस पे लगाना है इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा वाइटनिंग इफेक्ट आपको मिलेगा जिनकी शादियां होने वाली हैं वो भी लगाएं जिनकी नहीं है वो भी लगा सकती हैं बहुत ही जबरदस्त है और कमाल का रिजल्ट है इस वाइटिंग का तो गाइज ये थी आज की रेमेडी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर मेरी रेमेडी अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा अल्लाह हाफिज